हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। ये नाइन्थ क्लास का टॉपिक है और इसमें हम जानेंगे कि लाइंस किस टाइप की होती हैं, किसको हम लाइन कहेंगे, किसको लाइन सेगमेंट कहेंगे और रे क्या होता है। और हम जानेंगे एंगल्स के बारे में, एंगल्स कितने टाइप के होते हैं और दो एंगल्स का रिलेशन किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। लाइंस और एंगल्स की फुल इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है यहाँ पे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होगी? अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। एक लाइन है जिसके दो एंडिंग पॉइंट होंगे, कुछ इस टाइप से वो दिखेगी। यहाँ पे इसके देखो दो एंडिंग पॉइंट हैं, ये दो इसके एंडिंग पॉइंट हैं। उसके बाद है लाइन। लाइन क्या होता है? अ लाइन इज एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस इनफाइनाइटली। तो कोई लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इसकी कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होती है, तो इसको हम कहेंगे लाइन। लाइन सेगमेंट के दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, मीन्स उसकी एक फाइनाइट लेंथ होती है, बट लाइन की कोई भी फाइनाइट लेंथ नहीं होती है। और नेक्स्ट है हमारे पास रे। रे क्या होती है? अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन का ये एक पार्ट है विद वन एंड पॉइंट, जिसका सिर्फ एक एंडिंग पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पे, ये इसका एंडिंग पॉइंट है और एक तरफ से ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती है। अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंडिंग पॉइंट, उसको हम कहेंगे रे। आगे हम करेंगे एंगल। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। अगर दो रे सेम पॉइंट से निकलती हैं, ये इसका पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ से एक रे ये निकलती है और दूसरी रे ये है, और इनके बीच में जो ये गैप बचा है इसको मान लेते हैं हम एंगल एक्स। अब देखिए एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। अब ये वाला एंगल देखिए, ये एंगल 90 डिग्री से लेस है, तो लेस देन 90 डिग्री वाले एंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल। तो इस टाइप के एंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल। ये क्या होगा? जो एक्स है वो लेस देन 90 डिग्री है। नेक्स्ट हम करते हैं, जो एंगल 90 डिग्री का होगा, तो इस पॉइंट से ये दो रे निकलती हैं और इनसे हमें मिला है एक 90 डिग्री का एंगल, और इस 90 डिग्री के एंगल को हम क्या नाम देते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल इसको हम कहेंगे, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाले एंगल को हम कहेंगे राइट एंगल। नेक्स्ट एंगल हम ड्रॉ करते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा है उसको हम कहेंगे ओब्टूस एंगल। यहाँ पे जो हमने एंगल लिया है इसकी वैल्यू 90 डिग्री से तो ग्रेटर है लेकिन 180 डिग्री से लेस है, तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? 180 डिग्री से लेस है और 90 डिग्री से ग्रेटर है। उसके बाद हम करेंगे स्ट्रेट एंगल। एक स्ट्रेट लाइन हम लेंगे, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से ये दो रे निकलती हैं और इनसे बनता है ये एक्स एंगल। अब इस एंगल को हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को हम कैसे राइट करते हैं? एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे जो एक्स एंगल है इसका मेजरमेंट कितना है? 180 डिग्री। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 180 डिग्री से ग्रेटर होगा। यहाँ पे जो एक्स हमने लिया है ये 180 डिग्री से बड़ा है, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। एक्स इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, 360 डिग्री से ये कम होगा। अब बात करते हैं हम कंप्लीट एंगल की, तो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का।
तो अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप ऑफ टू एंगल्स। अगर हमें दो एंगल्स दिए गए हैं तो उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या कनेक्शन है, तो इसको हम जानते हैं। सबसे पहले आता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे? अगर हमें दो एंगल बिल्कुल साथ साथ दिए गए हैं, कैसे? एंगल्स विद अ कॉमन साइड, जिनकी एक साइड कॉमन होगी, एंड अ कॉमन वर्टेक्स, और उनका एक वर्टेक्स है जो ये वाला, वो क्या होगा? कॉमन होगा। तो इनकी ये कॉमन साइड हो गई है और साथ में कॉमन वर्टेक्स है, तो ये एंगल वन और एंगल टू क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स इनको हम कहेंगे। एंगल वन एंड टू आर एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा? एंगल्स हुज मेजर्स एड टू 90 डिग्री, जिन एंगल्स का ऐड करने पर मेजरमेंट 90 डिग्री आता है, उनको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए, ये है हमारे पास एंगल, तो इसमें ये एक कॉमन साइड है और ये कॉमन वर्टेक्स है, तो वैसे तो ये एडजेसेंट एंगल भी हैं, लेकिन साथ में ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों है? क्योंकि इनका जो सम है वो होगा, वन और टू एंगल का सम क्या होगा? 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स का अगर सम 90 डिग्री हो, उनका सम क्या हो? 90 डिग्री हो, तो वो क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? एंगल्स हुज मेजर्स एड टू 180 डिग्री, जिनका मेजरमेंट ऐड करने के बाद आए 180 डिग्री, तो उनको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए, यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसका वर्टेक्स पॉइंट है, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल बने हैं, एंगल वन और एंगल टू। अगर हम इनका सम करते हैं तो वो कितना आएगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री अगर इनका सम आता है तो इनको हम कह देंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। उसके बाद है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जिनका वर्टेक्स क्या होगा? कॉमन होगा, और साथ में क्या चाहिए हमें? हुज साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द सेम लाइन, और उनकी जो साइड्स है वो भी सेम लाइन से बनी होगी। तो यहाँ पे देखिए, जो ये एंगल वन और एंगल टू है, इसका जो ये वर्टेक्स पॉइंट है ये सेम है, और जो इनकी साइड्स है वो भी सेम लाइन से बनी है। ये सेम लाइन यहाँ पे भी आ रही है एंगल टू के साथ, और यहाँ से ये वाली साइड है, ये भी दोनों एंगल्स में आएगी, एंगल टू में भी और साथ में एंगल वन में भी। तो एंगल वन और टू क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल वन एंड टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। और थ्री और फोर, एंगल थ्री और फोर, ये दोनों भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और साथ में इसमें क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में? जो एंगल्स वर्टिकली अपोजिट होंगे वो आपस में इक्वल भी होंगे। देखिए, एंगल वन का वर्टिकल अपोजिट एंगल है एंगल टू, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। एंगल थ्री का वर्टिकल अपोजिट एंगल है एंगल फोर, तो एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल होगा। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं जो, उनमें क्या होता है? कॉमन वर्टेक्स होती है और सेम लाइन से बने होते हैं वो, और वो आपस में इक्वल भी होंगे। अब यहाँ पे हमने दो फिगर ली हैं। इस फिगर में देखिए, एक लाइन है PQ और एक लाइन है RS। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे आपस में मिलती हैं। जो इनका मीटिंग पॉइंट है उसको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कहेंगे। तो अगर कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या फिर आपस में काटेंगे, तो उनको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर PQ लाइन RS लाइन के साथ किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलती है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है हर पॉइंट पे सेम रहेगी, तो ऐसी लाइंस को हम कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। या फिर इनको हम पैरेलल लाइंस भी कहेंगे। किन्हीं दो लाइंस का अगर कहीं भी मीटिंग पॉइंट नहीं है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, और उनके जो बीच का गैप है हर पॉइंट पे सेम है, तो ऐसी लाइंस को हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। और अगर कोई दो लाइंस आपस में किसी भी पॉइंट पे मीट करती हैं, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ऐसी लाइंस को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस।
उम्मीद करते हैं आपको लाइंस और एंगल्स का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो ऐसे ही मैथ्स के टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल द मैथ्स पॉइंट। थैंक यू।